Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं अब सामने आने लगी हैं। बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अब की बार 400 पार के नारे से एनडीए को नुकसान पहुंचा। विपक्ष ने जनता के बीच एक झूठा प्रचार कर दिया कि अगर एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत जाती है तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। एकनाथ शिंदे की इसी बात को अब जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी दोहरा दिया है। उन्होंने कहा कि 400 पार वाले नारे को लेकर विपक्ष ने झूठा प्रचार किया कि अगर एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। इससे पहले केसी त्यागी ये बात भी बोल चुके हैं कि अग्निवीर योजना की वजह से लोगों में आक्रोश है। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में भाजपा के खाते में सिर्फ 9 सीटें मिली। एनसीपी शरद पवार गुट ने 8 सीटें जीती, कांग्रेस को 13 सीटें मिली, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 7 सीटें मिली, जबकि एनसीपी अजित पवार गुट को 1 सीट मिली। शिवसेना उद्धव गुट ने 9 सीटें जीती। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को महज 240 सीटें मिली हैं। मोदी सरकार को टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के समर्थन से सरकार चलानी पड़ रही है।